उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने लखनऊ स्थित आवास 5 कालिदास मार्ग से तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत होने से पहले वहां पहुंचे लोगों ने भारत माता के जय के नारे लगाए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मेयर संयुक्ता भाटिया, विधायक आशुतोष टंडन व पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह मंच पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा में शामिल होने पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह तिरंगा यात्रा आजादी के अमृत महोत्सव के लिए जन जागरूकता का एक बहुत सशक्त माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा का जो नारा दिया है वह केवल अब एक नारा नहीं बल्कि यह एक जन आंदोलन बन चुका है। यह अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति हम सबके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव तो जागृत कर ही रहा है। उन्होंने कहा कि इस देश की आजादी के लिए जिन अमर सपूतों ने अपना बलिदान दिया था उन सबको नमन करने, उनका स्मरण करने व उनके आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करने का यह अवसर आया है। ये तिरंगा यात्रा आजादी के अमृत महोत्सव के लिए जन जागरूकता का एक बहुत सशक्त माध्यम बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा का जो नारा दिया ये केवल अब एक नारा नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है, जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति हम सब के मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव तो जागृत कर ही रहा है। इस देश की आजादी के लिए जिन अमर सपूतों ने अपना बलिदान दिया था उन सबको नमन करने, उनका स्मरण करने, उनके आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करने का भी यह हमारे लिए अवसर आया है। ये तिरंगा यात्रा अमृत महोत्सव के साथ साथ अमृत काल के नए संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर लखनऊ महानगर की पूरी टीम को, जो आज इस भारी तिरंगा यात्रा के लिए यहाँ पर एकत्र होकर के भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक पहुंचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं,